फाइवर, हाँ सॉरी, फाइवर ने पहले, सबसे पहले न्यूज़लेटर भेजा था, ठीक है, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को, बहुत सारे क्लाइंट्स को कि पाकिस्तान में इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर आप किसी पाकिस्तानी फ्रीलांसर को काम दे रहे हो तो अपने रिस्क पे देना, हम उनकी कंप्लेन नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेन आना शुरू हो गई थी फाइवर के पास कि यार मैंने एक पाकिस्तानी को काम दिया है, वो मुझे बहाने कर रहा है जी इंटरनेट नहीं चल रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, काम नहीं हो रहा, क्योंकि फाइवर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड की हुई है ना, वो कमीशन लेता है इस चीज़ का। तो पहले उसने न्यूज़ लेटर भेजे, उससे काम नहीं हुआ, फिर उसने वेबसाइट के ऊपर टिकट चला दिया, अब उसने पाकिस्तान को अनअवेलेबल कर दिया, परमानेंट बैनर लगा दिया उसने वेबसाइट पर, अनअवेलेबल कर दिए, अपने सोशल मीडिया पे बैनर्स लगा दिए हैं, और वो पूरी दुनिया को क्या मैसेज क्या दे रहा है कि पाकिस्तानी से काम नहीं कराओ, उनके इंटरनेट के इश्यू नहीं भाई ठीक होते। उमर भाई देखें, पाकिस्तान उनके जो विजन है ना वो कुछ हो रहे हैं, उनके इंटरनेट के इश्यू पाकिस्तान के अंदर ना, अगर आप देखें ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो सिखा रहे हैं, तो ये कैसे ग्रो होता है पाकिस्तान, फिर कैसे फोर्थ नंबर पे आ जाता है यार। ये वो सर्कल है, वो एक फ्रीलांसर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ये जो चीज मैं बात कर रहा था ना, ये जो हमारा मेंटोर सिस्टम है ना यार, ये मुझे बहुत मजे का मेंटोर सिस्टम लगता है पाकिस्तान में, और इसी वजह से ये इतनी ग्रोथ की है, इसी वजह से ग्रोथ की है। अब लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एक्सट्रीम कॉमर्स या एनेबलर्स की, ठीक है, इनके पास फेलियर्स बहुत होंगे, बट वो फेलियर कौन थे, वो शॉर्ट टाइम फेलियर थे। अगर लॉन्ग रन में बात करें तो हजारों नहीं करोड़ों लोगों को पता चल गया अमेज़न पे भी चीज बिकती है, ऐसे ही। क्या इन दोनों के आने से पहले किसी को अमेज़न का पता था पाकिस्तान में? मेरे ख्याल है बिल्कुल नहीं, नहीं पता था। अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, अवेयरनेस ही नहीं थी। इंटरनेट से पैसा कैसे कमाया जाता है यार, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं तकरीबन को 50 या 60 ऐसे मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो फेसबुक में मेरे पास ऐड हैं, वो इस टाइम पढ़ा रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो कोचिंग्स दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर लोग भी हैं उसमें, ठीक है, उनके आगे हजारों स्टूडेंट्स हैं। ऐसे हर बंदा शायद उस टाइम पैसे ना कमा ले, मेरे ई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हजारों की तादाद में स्टूडेंट, हर बंदे ने शायद ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया हो या कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं कमाया हो, बट उसके पास वो अवेयरनेस आ गई है, वो किसी ना किसी चीज में कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करता है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके वो सर्विसेज बेच के पैसे कमा लेता है। खैर, आपने बीच में बांग्लादेश की बात की थी, तो बांग्लादेश का ई कॉमर्स और पाकिस्तान का ई कॉमर्स, अगर इसे हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, भी देखें जिस तरह मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी चीज़ थी ना, वो यही मेंटरशिप प्रोग्राम था कि जिसने इस सर्कल को परवान चढ़ाई। आप इंडिया की एग्जांपल लेना, वहाँ पे आपको बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे और रिनोड इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, इवन वहाँ के यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी को अगर आप देखें तो वो भी अपने कोई ना कोई कोर्स बना के बेच रहे होते हैं, वो सिखा रहे हैं, वहाँ कोई एक रिलायबल रिसोर्स या इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, और उनका अकेडमिक सिस्टम जिसे कहते हैं ना कि प्राइवेट जिसमें अकेडमी टाइप होती है, वो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस चीज़ों का, वो कहीं ना कहीं सिखा रहे। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, अगर है तो माशाल्लाह यहाँ पे लोग बातें करने वाले इतने होते हैं कि वो जो अच्छा काम कर रहा होता है वो नहीं कर पाता। मैं सनी अली की एग्जांपल लूंगा, उस बंदे ने कितना खर्चा किया, मैं अपनी आंखों से, बल्कि उमर भाई आपको याद है हम अपनी आंखों से देख के आए यार कराची में, उस बंदे ने कितना काम किया, अपनी जेब से पैसा लगाया, जिस किस्म की सर्विसेज दी, लैंडस्केप दिया, सर्विसकेप दिया, बैठने की उसने किया, बड़े बड़े मेंटोर्स को लेके आके वहां पे वो पढ़ा रहा है, और उसके बाद जो पाकिस्तानी वाम ने उसका हाल किया, तो हमें एक शुक्रिया। मेरी सनी भाई के साथ जो मुलाकात हुई थी मलेशिया में तकरीबन 4 घंटे की, तो 3 घंटे और 55 मिनट मेरे ख्याल से हमारी इसी पे बात हुई थी यार, हम पाकिस्तान के लिए क्या करें, हम यूथ के लिए क्या करें, हम कौन से मॉड्यूल्स लेके आए, हम कौन से न्यू कोर्सेज लेके आए। और 2 साल पहले वो AI की बातें करते थे, उस टाइम AI इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, कि यार AI आने वाला है, हमें उसके लिए पाकिस्तानी अवाम को तैयार करना है। तो कहने का मकसद ये कि उसके बावजूद अगर पाकिस्तान फोर्थ हाईएस्ट रैंक पे खड़ा हुआ है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में और वो ग्रो कर रहा है, तो उस वक्त आके इनका गला घोंटना ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसके असरात पिछले साल आज नहीं महसूस हो रहे हैं आपको। देखिए हैदर भाई, आगे आने वाले टाइम में बड़े खतरनाक। पिछले साल जनवरी 2023 में पाकिस्तान का जो टोटल सोशल मीडिया पे पॉपुलेशन थी वो 8.8 मिलियन थी, सॉरी 8 करोड़ थी, ठीक है, इस साल वो हो चुकी है 11 करोड़। 27% इंक्रीमेंट है, 45% इंक्रीमेंट आया इंटरनेट यूजर्स में। उमर भाई ये सिर्फ एक साल की बात, अंदाजा लगाए, हम $2 बिलियन के लिए कर्जा लेने के लिए तरस रहे हैं, तड़पते हैं, IMF के हाथ पांव जोड़ते हैं, और ये वो बेचारे गरीब हैं। अच्छा, हमने इनको सहूलत भी कोई नहीं दी। अगर आप एक मिनट के लिए सोचें, ये वो गरीब है, ये हाफ अ बिलियन तो वो है जो बेचारे पायोनियर के थ्रू स्टेट बैंक के रिकॉर्ड, स्टेट बैंक की रिपोर्ट है बहरहाल, उसमें रिकॉर्ड हो गया,
यार उमर भाई वो नंबर कहाँ जो बेचारे ला ही नहीं सकते पैसे, वो उनको हवाला करना पड़ता है, हुंडी करनी पड़ती है, या वो बाहर के डॉलर ही बाहर में बेच रहे होते हैं। बहुत सारे ग्रुप से आपने देखा होगा कि भाई ज्यादा आबादी जो है ना वो बाहर बेच रहे हैं, मैं शायद 70%। हाँ, अब मेरे पास पेपॉल में या पायनियर में पैसा होता है, मैं उसको पाकिस्तान कैसे लेके आऊँ? नहीं ला सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बाहर ही बेच देता हूँ या यूटिलाइज करता हूँ। डॉलर लेट सपोज 300 का, तो हमसे जी 250 का ले ले, हमसे वो वाला सीन है। हम उसको फेसबुक के एड्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे, हम इनका और गला घोंट रहे हैं। और मतलब अभी आपने रिसेंटली देखा है जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तान के बानी अरसलान अली शाह, उनको फाइबर की तरफ से अवार्ड मिला। पाकिस्तान में खाली गिने चुने दो तीन ही लोग थे, एक कंपनी थी कोई, वो एक पूरी टीम, ये एक इंडिविजुअल को मेरे ख्याल से पहला ही मिला है जी। और तो, इसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की। अरसलान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। अच्छा, उन्होंने 1 मिलियन उन्होंने एंजॉय नहीं किया, उन्होंने 1 मिलियन प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल से कंप्लीट किया ही उसका था। हमने नहीं, 1 मिलियन डॉलर की, 1 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, 1 मिलियन डॉलर की। तो अब आप 1 मिनट के लिए दादल गए, हम अभी वो एंजॉय नहीं कर पाए। एक इंसान, एक इंडिविजुअल 1 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है फाइबर से, और हम फाइबर का वो कहते हैं कि आप अगर घर करें ये अगर, और हमने प्रोड्यूस नहीं करने, गलती होगी हमसे बहुत ज्यादा। अगर हमने बंद करें इसको, 10,000 सैयद अरसलान शाह क्रिएट किए होते पाकिस्तान में, मसला ही हल हो जाता। यार आप इंडिया की एग्जांपल लें, फिर बांग्लादेश से पूछ लो, मैं दोबारा आता हूँ इंडिया की तरफ, बांग्लादेश की तरफ। अराउंड 150 बिलियन, आई डोंट नो नंबर, शायद गलत हो, अगर तो आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा। 150 बिलियन डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, और फिर भी वो 4th नंबर पे नहीं है फ्रीलांसिंग में। यानी कि यार वहाँ पे वो स्किल्स नहीं है। आपने वो देखा होगा नेटफ्लिक्स पे जो क्या कहते हैं प्रोग्राम था उसका, लकासा दे पेपल, मनी हाइस्ट के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान के वो आईटी टेक वाली सर्विसेज को ना यूज करेंगे, वो बाहर माना जाता है, इतना स्किल है। वो सईद कौन है वैसे? होगा कोई, यही प्रोफेसर सईद को फोन करता ना अली शाह से, हम पूछेंगे कौन है। बहरहाल खैर, ऑन अ लाइटर नोट, ये जो चीजें हो रही हैं ये बहुत आपको ना शायद इसका रोल स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो इस वक्त नजर ना आए, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आएगा। फाइवर ने जिस जो इस वक्त स्टेप लिया है ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान अब एकदम से ग्राफ आप 4 से नीचे गिरते हुए देखेंगे। पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली, आज की बात नहीं, कॉन्टिन्यूसली पिछले 4 से 5 साल में विथ इन टॉप 5 पोजीशन मेंटेन रखी हुई है। उमर भाई वो नीचे नहीं गिरा, वो मेंटेन रखी हुई है डिस्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई इस तरह की एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी ये चीज स्किल्स नहीं सिखा पा रही है आज तक, बंदे ही अवेलेबल नहीं है। और सेकेंड, इसकी जो आपको रिप्लिकेशन नजर आने वाली है ना, डिफरेंट कंट्रीज ने नोमेड वीजाज इंट्रोड्यूस करवाए, मलेशिया की अगर आपने नोमेड वीजाज इस्तेमाल किए हुए हैं, अब ये सारे आपको यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, वो अच्छा, स्किल्ड लेबर है। वो जाते हुए पे भी ना अब रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई है, दुबई ने पाकिस्तानी वीजा बैन कर दिया। उमर भाई दुबई बंद कर देगा, वो कहीं और चले जाएंगे, कतर चले जाएंगे, वो आपके क्या कहते हैं मलेशिया चले जाएंगे। नोमेड वीजा वहां पे बड़ा इम्पोर्टेंट भाई, वो साफ साफ कहते हैं आप इतने $1,000 पता नहीं 5 है कि $10,000 है कि $12,000 है, आप इतनी सिर्फ इनकम दिखाएं अगर आप बाकी ये अर्न कर रहे हैं, ये वीजा है आपका, और फिर आपको सिटीजनशिप तक लेके जा रही है वो चीज। वो चाहते क्या है कि यार, वो बेसिकली जो मैंने आपसे बात की कि यार वो सईद अरसलान शाह बनाना चाहते हैं, यार तू वहां पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे $10,000, तू मलेशिया के बैठ तू $20,000 कमाएगा। अब तू कमाएगा तो वो लगाएगा भी वहीं पे ना, खर्चा भी वहीं पे करेगा, तो वो स्ट्रक्चर जो है ना, प्लान वो इस हिसाब से चल रहा है। अब आपने रिसेंटली देखा होगा एक साफी था, वो पहले ट्वीट करता है जी फायर वार लगा दी इनकी, ऐसी की तैसी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगले दिन फिर ट्वीट करता है मेरे बच्चों का 2 फाइबर अकाउंट थे, एक का $5,000 आ रहा था और वो सब बंद हो गया और ये बेड़ा गर्क हो गया इस फायर वार की वजह से। तो ये ना अब खुद भी इम्पैक्ट होगा, इनको शायद ये लग रहा है कि ये आग जो जलाई गई है ना इन तक नहीं आएगी, ये इन तक पहुंचेगी। नहीं नहीं वो पीटीए ने तो कट कर देना, पीटीए ने तो नोटिफिकेशन वो डाल दिया, या जो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था कि भाईजान हमें तो आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं आई। यार अंदाजा लगाया, मतलब पॉलिसी मेकर्स बैठ के ये कह रहे जी इंटरनेट तो स्लो ही नहीं है, हमारी चीखें निकल गई है, वो फाइवर बेवकूफ है कि वो टिकर चला रहा है, वो न्यूज़लेटर्स भेज रहा है, वो बैनर्स लगा के बता रहा है कि जी। यार मेरा एक दोस्त है लाहौर में, पर्सनली मैं जानता हूँ उसको, लाहौर में मॉडल टाउन में उसकी एजेंसी है, सॉफ्टवेयर हाउस है, 400 से ज़्यादा बंदे उसने यहाँ पे हायर किए हैं अपने पास। ठीक है, और परसों मुझे कह रहा है यार मैं दुबई मूव कर रहा हूँ और मैं अपने सारे एम्प्लॉयज वहाँ पे हायर करूंगा। अंदाजा लगाया। ठीक है, तो मतलब इन 400 बंदों की नौकरी गई। हार्डली कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज है हमारे पास यहाँ पे, और ये हो रहा है, और जो वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज दे रहे हैं वो सब कहाँ जाएंगे यार। मतलब
हम बहुत एक गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, और अगर अभी हमने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा।